आज हमारे बीच में शाम को भाई थोड़ी देर 10 मिनट का काम रहेगा, कई घंटे इंतजार में बैठे हो तुम, गर्मी सारी दो पाई चार लेकिन इन 10 मिनट का आराम से सुनोगा। हमारे बीच में आप सबके भाई, आप सबका बेटा, एक और नार और कर्मी होगी नौजवान, जो हमेशा सालों साल से हमारे दुख सुख में, हमारे भाईचारे में, हमारे विकास में, काम धंधे में, बच्चों के रोजगार के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ते हुए हमेशा अपने समाज को ऊपर उठाने का जो काम करते हैं, वो भाई आज हमारे बीच में है। मैं आप सब की तरफ से, बहनी मातों की तरफ से इनका आने का स्वागत करता हूँ। बात तो सारी नौजवान कहेगा कि हमने क्या करना है। इलेक्शन है 25 तारीख का और 25 तारीख को हमने एक अधिकार जो बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, भारत के संविधान का अधिकार है, वोट का अधिकार है। ये वोट इस देश का राजा बनाती है, गांव का सरपंच पंच बनाती है, एमएलए बनाओ, एमपी बनाओ, देश का प्रधानमंत्री, प्रदेश का मुख्यमंत्री सब कुछ बनते हैं। उसी कड़ी में अब इलेक्शन है 25 तारीख का और 25 तारीख के इलेक्शन में आपका भाई एक उम्मीदवार है जो आपने पहले भी कई बार आशीर्वाद दे करके हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बैठे और हमेशा हम आप सबके लिए उन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया। अब हमारी आप सबसे निवेदन है, देखो ये बहुत जरूरी बात है भाई, आदमी का काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता। हमारे भाई काम करते हैं पूरी लगन और हिम्मत के साथ, तो काम पैरा है, तो काम का हमें साथ देना चाहिए। दूसरे हमारे मुल्क अपने में जो इलेक्शन लड़ते हैं लोग, एक है, दो है, चार है, दस है, कभी नजर नहीं आते, कभी देखते हैं, जब भी हमें जरूरत पड़ती है, चाहे बाल श्रम की बात हो, चाहे काम से किसी विकास की बात हो, काम के अंदर की बात हो, सुपाट की बात हो, जब भी हम किसानों साथ रहे हैं बढ़ चढ़ करके महाराष्ट्र को साथ देते हैं। और इसी प्रकार से हम गरीब आदमी हैं, गरीब को कई तरह की मदद चाहिए, गरीब ने घर भी चाहिए, घर बनाने खातिर प्लाट भी चाहिए, प्लाट में तो मकान बनाने खातिर पैसे भी चाहिए, बच्चों के पढ़ने के लिए भी साधन सारे जितने चाहिए, ये सारे साधन हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पीछे 2 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने 200 बच्चे प्लाट भी गरीबों को दिए, उनके ऊपर मकान बनाने के पैसे भी दिए, बच्चे स्कूल में चले गए तो उनका वजह वजीफा भी बनाया और 300-300 लीटर की पानी की टंकी भी घरों में लगाने के लिए। वो सरकार जाने के बाद कोई प्लाट 100 गज का प्लाट या 1 गज का प्लाट सीधे आया काम कहीं नहीं, और ना उसके ऊपर पैसे मकान बनाने के पैसे, ना स्कूल में बच्चे जाओ उसका कोई वजीफा नहीं। तो इसलिए मेरी आप सबसे निवेदन है, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ गुरु भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने गरीबों के लिए स्कीम दी।